BSNL की घर वापसी बायकॉट जियो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई दिनों से ये ट्रेंड कर रहा है। मोबाइल कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान 25% तक महंगे कर दिए। जियो, एयरटेल, वीआई सब ने अपने रिचार्ज प्लान के रेट बढ़ा दिए। जो एयरटेल का सबसे सस्ता रिचार्ज 265 रुपए का था, वो 299 रुपए का हो गया। जो जियो का सस्ता प्लान 199 रुपए का था, वो 249 रुपए तक का हो गया। इसी तरह सारे प्लान करीब करीब 50 रुपए तक बढ़ा दिए गए, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर BSNL की घर वापसी मुहिम चलाई जा रही है। सबसे बड़ी संख्या में लोग BSNL में अपने सिम को पोर्ट करा रहे हैं। कई सारे यूजर अब BSNL को अपनाने की बात कर रहे हैं। इसी वजह से एक्स पर BSNL की घर वापसी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें अभी तक 25,000 से ज्यादा लोग हैशटैग पर पोस्ट कर चुके हैं। प्राइवेट कंपनियों के बढ़े हुए दामों के बाद अब लोग सस्ता और किफायती ऑप्शन तलाश रहे हैं। BSNL के पास यूजर्स के लिए कई सारे प्लान्स मौजूद हैं। लोग BSNL की प्लान्स भी शेयर कर रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी शेयर कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी को प्रमोट कर सरकारी कंपनी को पीएम मोदी ने बर्बाद किया, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए BSNL की बर्बादी की कहानी और जियो के खेल को समझते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। वैसे किसी देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी देश का प्रधानमंत्री सरकारी कंपनी को ठुकरा कर प्राइवेट कंपनी के लिए प्रचार करें, लेकिन यही कड़वा सच है। साल 2016 जब देश के प्रधानमंत्री की अखबारों में पहले पेज पर तस्वीरें छपती थी, देश के प्रधानमंत्री प्राइवेट कंपनी को प्रमोट कर रहे थे, नाम था जियो। तब BSNL की बर्बादी की कहानी लिखी गई थी। जो कंपनी कभी नंबर वन थी, जिसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की, उसके ऐसे दिन आ गए कि कर्मचारियों को सैलरी तक देने में लाले पड़ गए। ये नाम की सिर्फ सरकारी कंपनी बची। कहते हैं कि जिस BSNL को 4G स्पेक्ट्रम मिलना था, उसने स्पेक्ट्रम की नीलामी में भाग ही नहीं लिया और प्राइवेट कंपनी जियो ने नीलामी लगाई और 4G स्पेक्ट्रम को खरीद लिया। फिर उसके बाद सरकार की ओर से निजीकरण का खेल चला गया और जियो कंपनी ने पूरे देशवासियों को मूर्ख बनाया। फ्री में सिम बांटे, उस समय बड़ी बड़ी दूर दूर तक लंबी लंबी लाइनें देखी जाती थी। देश की जनता भी ऐसी है कि फ्री में अगर जहर बांटा जाए तो वो भी लेने पहुंच जाती है। जियो ने भी वही किया, फ्री में 4G सिम दिए, 3 महीने का अनलिमिटेड डेटा प्लान था और करोड़ों उपभोक्ता जियो को मिले, जिनका डाटा भी जियो के पास पहुंच गया। अब क्या था, जियो की ओर से 6 महीने के अंदर ही झटका दिया गया कि भैया फ्री की स्कीम अब खत्म, अब कराओ रिचार्ज। लो अब दना दन जियो का मजा। तो जब अब इंटरनेट की सबको लत लग चुकी थी, तो इसके बाद रिचार्ज का एक ऑप्शन था। कहा गया कि सस्ते प्लान है, चलिए सस्ते प्लान भी करना सीख गए। उसके बाद मजा लेते लेते जियो, एयरटेल, फलाना फलाना, जब सबको मोबाइल चलाने की लत लग गई, इंटरनेट के बिना किसी को रहा ही नहीं जा रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, सस्ते रिचार्ज का ऑप्शन रखा गया कि भाई सस्ता रिचार्ज है करो और जियो की स्पीड भी बहुत अच्छी है। उसके बाद लोग रिचार्ज करना भी सीख गए, क्योंकि फ्री का कब तक माल लूटोगे, 4G से 5G और अब तक लोग रिचार्ज करके आराम से काम चला रहे थे। लेकिन समय समय पर इन कंपनियों की ओर से प्लान महंगे कर दिए जाते हैं। वही इस बार भी हुआ, जब जियो, एयरटेल और फलाना फलाना वीआई कंपनी जो भी है, सब ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। अब जनता को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिचार्ज में पैसे वेस्ट हो रहे हैं, तब उन्होंने मुहिम शुरू की है किसकी, BSNL की घर वापसी की। और इन महंगे प्लान्स पर सरकार की ओर से कहा गया कि हम इस पर दखल नहीं देंगे, और सरकार दे भी क्यों भाई, जब फ्री की सेवा 6 महीने तक लूटी तब अब खुद झेलो। लेकिन जनता भी बहुत समझदार है, जिस BSNL के सिम को कोई लेना पसंद नहीं करता था, आज उसी के सिम पोर्ट कराने की मुहिम चल रही है। लाखों की संख्या में सिम BSNL में पोर्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, BSNL के बंद हो चुके सिम भी फिर से शुरू कराए जा रहे हैं। यानी जनता और उपभोक्ता ने उन मोबाइल कंपनियों को उनकी औकात दिखा दी है, जो उपभोक्ताओं को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख समझने की कोशिश करते हैं।
फिलहाल देखना होगा कि BSNL कंपनी पर जो इतना भरोसा जता रही है जनता, क्या फिर से वो उतनी खरी उतर पाएगी। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जवाब दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।